जैसा आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा 917 असिस्टेंट प्रोफेसर के परमानेंट पदों पे जो है ऑनलाइन आवेदन अभी जो है चल रहे हैं। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि सिलेक्शन की पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस क्या रहने वाला है, साथ ही साथ जानेंगे परीक्षा का पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा एंड सभी जो महत्वपूर्ण जानकारी जो है सिलेक्शन के संबंध में जो है इस वीडियो में हम यहां पर आपको देने वाले हैं। दोस्तों, गवर्नमेंट प्रोफेसर कैसे बने पूरी प्रक्रिया पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है और इस पर काफी सारे जो है इसका आप फायदा भी उठा रहे हैं और काफी प्यार जो है आप इस वीडियो को दे रहे हैं। तो अभी तक आपने जो है ये वीडियो नहीं देखी तो जो है यहां पर जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, इस वीडियो को आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप सबका प्यार देके जो है हम यहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर कैरियर मार्गदर्शन वीडियो सीरीज यहां पर शुरू कर रहे हैं। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अच्छा, उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर जो भर्ती है जो कि UPHESC के द्वारा निकाली गई है, ये गोल्डन चांस क्यों है? ये गोल्डन चांस जो है इसलिए है क्योंकि यहां पर जो सिलेक्शन का जो प्रक्रिया है, नॉर्मली किसी भी यूनिवर्सिटीज में या कॉलेज में सिलेक्शन का प्रोसेस आपका इंटरव्यू के माध्यम से होता था, जिसमें API स्कोर, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर, आपका एकेडमिक स्कोर बनता था। उसमें बहुत सारे कैंडिडेट्स के जो मार्क्स है वो बहुत कम रह जाते थे, जिसके कारण वो इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाते थे। लेकिन यहां पे जो है आपका जो सिलेक्शन है, आपका रिटन एग्जाम, पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, इसके आधार पर जो है यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। यानी कि नो API बेस्ड सिलेक्शन। एकेडमिक जो स्कोर है, जिसमें यूनिवर्सिटीज में PhD वालों को 30 अंक का वेटेज मिलता था एक्स्ट्रा, और कॉलेज सिलेक्शन में 25 अंक का जो है वेटेज मिलता था, तो वो यहां पर जो है नहीं मिलेगा। यहां पर प्योरली रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू के माध्यम से जो है यहां पर आपका सिलेक्शन होगा। तो इस वजह से गोल्डन चांस है, क्योंकि काफी सारे कैंडिडेट शिकायतें करते थे कि सिर्फ हमारी इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आती है, मेरा API स्कोर लगभग 59 है या 55 है। तो डेफिनेटली जो है उनके लिए गोल्डन चांस है। अब यहां पे जो रिटन एग्जाम है 200 अंकों का होगा, इंटरव्यू आपका 30 अंकों का होगा एंड जो सिलेबस की बात करें तो जो आपका जो 200 अंकों का जो आपका ये टोटल पेपर है उसमें 60 अंक आपके सामान्य जो जनरल नॉलेज है, सामान्य ज्ञान के होंगे, और ऑप्शनल जो वैकल्पिक आपका विषय रहेगा जो मास्टर डिग्री में आपका विषय है वो 140 अंकों का रहेगा। यानी कि जनरल नॉलेज के लिए 30 क्वेश्चंस होंगे 60 अंकों के, एक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। ऑप्शनल सब्जेक्ट में 70 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंकों का होगा। तो टोटल क्वेश्चन यहां पर 100 आपसे पूछे जाएंगे और टोटल मार्क्स आपके यहां पे रिटन लिखित परीक्षा के 200 रहेंगे, इंटरव्यू के लिए 30 रहेंगे। यानी कि जो टोटल मेरिट बनेगी वो 230 इंटरव्यू प्लस रिटन एग्जाम के आधार पर बनेगी। कोई भी निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। सबसे बड़ी बात यहां पर आप देख सकते, ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन एडवर्टीजमेंट, ये विज्ञापन संख्या 51 है, जिसमें पेज नंबर 12 पे आप जाएंगे तो यहाँ पे चयन का आधार दिया हुआ है, पॉइंट नंबर 10 पे इसमें क्लियरली मेंशन है कि आपका जो सिलेक्शन है चयन का आधार लिखित परीक्षा एवं इंटरव्यू रहेगा। लिखित परीक्षा में जो है यहाँ पे जो उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को, उन्हीं के लिए इंटरव्यू जो है कंडक्ट कराया जाएगा। लिखित परीक्षा आपकी MCQ टाइप होगी, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र होगा, सामान्य ज्ञान एवं संबंधित वैकल्पिक विषय। लिखित परीक्षा 200 अंकों की होगी, सामान्य ज्ञान 60 अंकों का, और जो आपका वैकल्पिक जो विषय है आपका 140 अंकों का, 30 अंकों का इंटरव्यू होगा। यही चीजें मैंने बताई है, और प्रश्न पत्र में जो निगेटिव मार्किंग है नहीं होगी। तो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो लिखित परीक्षा है वो प्रयागराज इलाहाबाद में कंडक्ट कराई जाएगी, और यहाँ पे जो चयन है आपका, यानी कि लिखित परीक्षा इंटरव्यू के लिए सूचना आपको SMS या ईमेल, समाचार पत्र एवं वेबसाइट के माध्यम से जो है यहाँ पर दी जाएगी। अच्छा, ये तो जो है आपको यहाँ पे आपने यहाँ पे परीक्षा का पैटर्न आपने यहाँ पे देखा। अब जो है हम यहाँ पर इसका जो सिलेबस है, डिटेल्ड जो सिलेबस है वो यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट आपके रहेंगे हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत, आर्ट, ड्राइंग, म्यूजिक, सितार वादन, वोकल म्यूजिक, तबला, हिस्ट्री, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री, एशियन कल्चर, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, एजुकेशन, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पोलिटिकल साइंस, फिजिकल एजुकेशन, मिलिट्री साइंस, डिफेंस स्टडीज, होम साइंस, बीएड, लॉ, कॉमर्स, केमिस्ट्री, बोटनी, जूलॉजी, मैथ, फिजिक्स, स्टेटिक्स, एग्रीकॉन, हॉर्टिकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड यहाँ पे जो है ये सब्जेक्ट रहेंगे। अब जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो कॉमन रहेगा सभी के लिए, और जो वैकल्पिक विषय जो आपकी मास्टर डिग्री का सब्जेक्ट होगा उसका अलग से होगा। तो जब जनरल नॉलेज पे हम क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है सामान्य विज्ञान का जो है ये
जो सिलेबस है आपके सामने यहाँ पर खुलेगा, यहाँ पे आपके समसामयिक मुद्दे यानी कि करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रमुख व्यक्तित्व, इंपॉर्टेंट जो पर्सनैलिटी है, खेल समाचार, विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम शोध, शिक्षण एवं शोध अभिवृत्ति से प्रश्न होंगे, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, मानव एवं पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल एंड भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था। तो इंग्लिश में भी यहाँ पे है, करंट अफेयर, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, इन्फॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरमेंट, इंडियन हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इकोनॉमी। तो ये सारे जो है यहाँ से सामान्य ज्ञान के जो है इनसे प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, टोटल जो है 60 अंकों का होगा। बाकी जो सिलेबस है यहाँ पे, जैसे हिंदी का आप यहाँ पर सिलेक्ट आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने जो है हिंदी का सिलेबस जो है यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगा। इसी प्रकार से जो भी सब्जेक्ट आपका है वो यहाँ पे आप जो है सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे आप जैसे कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया गया है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन अगर आप आर्ट, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, एजुकेशन, लॉ, सोशल साइंस एंड साइंस, लिंग्विस्टिक, लाइब्रेरी, फिजिकल एजुकेशन एंड जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ, उसके साथ आपका नेट, सेट या स्लेट, यूपी का नेट, स्लेट या सेट या पीएचडी, यानी कि नेट, स्लेट, सेट या पीएचडी में से एक आपके पास होना चाहिए मास्टर डिग्री 55% अंकों के साथ। राइट, यहाँ पे क्लियरली मेंशन है स्लेट या सेट जो है उत्तर प्रदेश द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है उस वो जो है यहाँ पर होना चाहिए, और पीएचडी रेगुलर मोड में होनी चाहिए। ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है कि किस प्रकार की जो डिग्री है पीएचडी वो रेगुलर मोड में काउंट होती है। अच्छा, 5% की छूट यहाँ पे एससी, एसटी, ओबीसी और दिव्यांगजनों को यहाँ पर दी जाती है, साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स को भी दी जाती है जिनकी मास्टर डिग्री 19 सितंबर 1991 से पहले हो चुकी है। राइट, तो उनको भी यहाँ पे 5% की छूट दी जाएगी। नेट, सेट, स्लेट जरूरी नहीं है उन सभी सब्जेक्ट के लिए जिनके लिए नेट, सेट, स्लेट कंडक्ट नहीं किया जाता है। राइट, तो ये जो है इंफॉर्मेशन आपके लिए है। बाकी यहाँ पे डिटेल्ड में जो है अगर हम देखें यहाँ पे जो एडवर्टीजमेंट है जिसमें यहाँ पे आपको दिया गया था कि फीस आपकी क्या रहने वाली है, एंड ऑनलाइन आवेदन 9 जुलाई से प्रारंभ हो चुके हैं जो कि रजिस्ट्रेशन 7 अगस्त तक चलेगा। एक चीज बहुत ध्यान रखिए, 7 अगस्त तक आप रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, 8 अगस्त तक आप जो है फीस जमा कर पाएंगे और 10 अगस्त तक आप जो है फाइनल सबमिशन एप्लीकेशन का आप यहां पर कर पाएंगे। राइट, तो ऑफिशियल जो वेबसाइट है ये रहेगी आपका www.uphesc51.com। 51 एडवर्टीजमेंट नंबर है तो यहाँ पे इन्होंने एक सेपरेट वेबसाइट बना दी, जबकि यूपीएचईएससी की ऑफिशियल वेबसाइट ये है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सो यहाँ पे जब इस पेज पे आएंगे तो यहाँ पे आप सब्जेक्ट सिलेक्ट करेंगे, नाम, ईमेल, कैटेगरी और यूपी के रेजिडेंट है कि नहीं है, क्योंकि जो अन्य राज्य के कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर आरक्षण का लाभ का यहाँ पे क्लेम नहीं कर सकते। अगर आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं तभी आपको एससी, एसटी और ओबीसी का लाभ यहाँ पर मिलेगा। अन्य सभी राज्य के कैंडिडेट एज ए जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट के रूप में आवेदन यहाँ पर कर पाएंगे। आवेदन फीस ज़्यादा है, सामान्य वर्ग के लिए 2000 रुपये, ईडब्ल्यूएस के लिए 2000, ओबीसी के लिए 2000, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 1000 रुपये, तो अन्य राज्य के कैंडिडेट के लिए भी 2000 रुपये रहेंगे, तो ये जो है काफी ज्यादा है। रिक्तियों की संख्या 917 है और यहाँ पर जो पे आपका जो सैलरी है 15,600 से 39,600, जिसमें ग्रेड पे आपका 6,000 रहेगा, तो काफी अच्छी जो है यहाँ पर ग्रेड पे आपका यहाँ पर बन रहा है और लगभग 65-66,000 पर मंथ सैलरी आपकी यहाँ पर बनेगी। और आयु सीमा, अधिकतम आयु सीमा 62 वर्ष तक आप आवेदन कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो है किसी को कोई संदेह नहीं होना चाहिए रिलेटेड टू एज लिमिट, रिलेटेड टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एंड चलिए, आई होप मैंने आपका जो डाउट्स है वो मैंने यहाँ पे क्लियर करने की काफ़ी जो है कोशिश की है। मैं जो सिलेबस का ऑफिशियल वेबसाइट है मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा, वहाँ पर जाकर आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप जो है ये डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर कैरियर मार्गदर्शन वीडियो सीरीज में जो है आपको असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किस प्रकार से होता है, चाहे वो यूनिवर्सिटी में, सरकारी कॉलेज में हो, पूरी कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिलेगी। साथ ही साथ जो है एपीआई स्कोर, कितनी कट ऑफ पर इंटरव्यू कॉल आ जाती है, ऑलरेडी वीडियो बनी हुई है, नेट करे या पीएचडी करे पहले क्या करे जो है उस पर भी जो है वीडियो ऑलरेडी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही साथ यूजीसी के अनुसार किस प्रकार की पीएचडी डिग्री वैलिड है,
तो जरूर आप जो है देखें, अगर आप पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एडमिशन किस प्रकार से होता है। साथ ही साथ जो है काफी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण जानकारी जो है इस चैनल पर आपको मिल जाएगी हायर एजुकेशन से रिलेटेड। तो चलिए, आई होप ये वीडियो जो है आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें और टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज एंड इंस्टाग्राम, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।